नमस्कार, यमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आई नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में चल रहे सिंहस्थ कुंभ के दौरान गुरुवार को आवाहन अखाड़े के चुनाव में साधुओं के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद यहां साधुओं ने फायरिंग कर दी। मिली जानकारी के अनुसार इस घटना में 4 लोग घायल हो गए हैं। इतना ही नहीं, गोली के अलावा संतों में झड़प के दौरान धारदार हथियार भी चले। झड़प में घायल हुए साधुओं को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में कथित बिचौलिया क्रिस्टियन मिशेल ने बुधवार को कहा कि वो वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी या तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कभी नहीं मिले। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह या रक्षा मंत्री एके एंटोनी से सौदे के लिए मिलने के सवाल पर मिशेल ने कहा, नहीं, कभी नहीं। दिल्ली सरकार और नियुक्त किए गए 21 पार्लियामेंट सेक्रेटरी का मसला अब चुनाव आयोग के पाले में है। सूत्रों की माने तो चुनाव आयोग असम, बंगाल, केरल विधानसभा चुनावों के बाद मामले में फैसला करेगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मसले पर जो जवाब चुनाव आयोग को भेजा गया है, उसे लेकर अटकलें भी तेज हैं। और सरकारी खेमे में हालात क्या है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सीधे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया है। केजरीवाल ने अपने ट्वीट में कहा कि उत्तराखंड में मिले सबक के बाद अब उम्मीद है कि केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के खिलाफ कदम उठाने से पहले सोचेगी। दिल्ली के अति सुरक्षा वाले विजय चौक पर गुरुवार की सुबह एक शख्स की लाश पेड़ से लटकी पाई गई, जिसकी उम्र 30 से 35 वर्ष बताई जा रही है। नई दिल्ली के डीसीपी जतिन नरवाल के मुताबिक विजय चौक पर आत्महत्या करने वाले व्यक्ति की पॉकेट से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसका नाम रामदयाल वर्मा लिखा है। उम्र 39 साल और खुद को शिवपुरी मध्य प्रदेश का रहने वाला बताया है। आत्महत्या की वजह अभी साफ नहीं हो सकी है। मध्य प्रदेश पुलिस से भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, ताकि मृतक के परिवार का पता चल सके। हरीश रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद पर काबिज हो ही गए, ये बात दूसरी है। इसके लिए बीते एक महीने और 3 सप्ताह में उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये लड़ाई उनके लिए आर पार की लड़ाई थी। अतीत में वो 2 बार मुख्यमंत्री बनने से चूक गए थे। इस बार मुख्यमंत्री पद हाथ में आकर निकला जा रहा था, लिहाजा उन्होंने राजनीति के हर पैतरे का इस्तेमाल किया और केंद्र सरकार और बीजेपी के रणनीतिकारों को राजनीति के बिसात पर चित करके दिखाया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने उज्जैन पहुंचकर शिप्रा नदी में डुबकी लगाई। अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने भी मोक्षदायिनी शिप्रा में डुबकी लगाई। उज्जैन में वाल्मीकि घाट पर आयोजित इस कार्यक्रम में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज, अवधेशानंद महाराज सहित कई साधु संत मौजूद रहे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके कार्यकर्ताओं ने अब अर्जुन बना दिया है। दरअसल वाराणसी में गुरुवार से जेडीयू का राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर से करीब 25,000 कार्यकर्ताओं के जुटने की उम्मीद है। वाराणसी से नीतीश कुमार 2017 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल फूकेंगे। इसके अलावा इस सम्मेलन में बीजेपी और पीएम मोदी को घेरने की पूरी रणनीति भी बनाई जाएगी। बताया जा रहा है कि यहां बिहार सरकार की शराबबंदी को भी बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। सम्मेलन को सफल बनाने के लिए बिहार के कई मंत्री पिछले कई दिनों से वाराणसी में डेरा डाले हुए हैं। 45 दिनों के बाद नाइजीरियाई समुद्री डाकू के चंगुल से मुक्त हुए भारतीय मरीन इंजीनियर संतोष भारद्वाज बुधवार देर शाम परिवार के बीच लौट आए। वो बुधवार को ही भारत पहुंचे। वाया मुंबई विमान के जरिए वो बाबतपुर एयरपोर्ट आए। संतोष को सकुशल देख घर वालों की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। मिठाइयां खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी गई। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी संतोष के परिजनों को ट्वीट कर बधाई दी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल पे में जाकर ईएमएस टीवी की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार। अरे मेरी माँ, देख अगर मच्छर फिंगर्स पे काउंट कर सके तो नॉर्मल मोड। हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 10 अगर फिंगर्स खत्म हो जाए तो एक्टिव मोड। फिंगर से मच्छर गिनो नहीं, भगाओ। गुड नाइट एक्टिव प्लस मशीन और रिफिल सिर्फ 72 रुपीज में। पुश करो, खुश रहो।